लोग इमोशंस में आ गए, अपने घर का बचा हुआ खाने को पॉलिथीन में बांधते और उसको ये मानते हुए कि गौ माता को खिला देंगे तो हमारा आज पुण्य काम हो जाएगा। वो लोग ये नहीं देखते कि वो जो गौ माता है वो पॉलिथीन से उसको खा रही है जिससे उसको नुकसान हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं अभि वर्मा और आप देख रहे हैं ग्वालियर इम्पैक्ट। ग्वालियर में स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की शुरुआत बहुत ही जोरों शोरों से चालू हो चुकी है। ग्वालियर नगर निगम के द्वारा हर गली, हर वार्ड, हर मोहल्ला दिन प्रतिदिन चमकाया जा रहा है। ग्वालियर नगर निगम प्रशासन के साथ साथ ग्वालियर वासी भी इस अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और ये हमारा कर्तव्य भी है कि हम ग्वालियर को स्वच्छ बनाएं और ग्वालियर को स्वच्छता में नंबर वन पर लेकर आएं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी से जो कि इस पूरे स्वच्छता सर्वेक्षण की कमान संभाले हुए हैं। जी हाँ, मैं बात रहा हूं हमारे नगर निगम आयुक्त किशोर कान्याल जी की। आइए हम बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि किस तरह से वो भरपूर प्रयास कर रहे हैं ग्वालियर को नंबर वन लाने में और इस स्वच्छ सर्वेक्षण में और भी क्या आगे प्रयास किए जाएंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में, ग्वालियर इम्पैक्ट के शो में। और सर, अभी हम बहुत सारे आपसे सवाल करने वाले हैं और सबसे पहला सवाल जो मेरा ये है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की कमान आपने पूरी संभाली हुई है, तो इसको आप किस तरह से आगे ले जाने वाले हैं? देखिए, ग्वालियर में स्वच्छता को लेकर हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हमने बेसिक चीज़ों पे फोकस करना शुरू किया है। जैसे लास्ट 6 मंथ से जब से मैं इंचार्ज में हूँ, मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सी चीज़ें अवेलेबल थी लेकिन डिफंक्ट थी, तो हमने सबसे पहले तो उन चीज़ों को चालू किया। जैसे लैंडफिल साइट हमारे बंद था, हमने उसको चालू कराया। हमारे ट्रांसफर स्टेशन बंद थे, हमने सारे ट्रांसफर स्टेशन को चालू कराया, उसको अपग्रेड कराया, वहाँ को ठीक ठाक कराया, मतलब वहाँ को क्लीन कराया उस एरिया को। फिर जितने भी हमारे व्हीकल्स है उसकी संख्या हमने बढ़ाई। हमने देखा कि कई सारे व्हीकल्स हमारे वेस्ट पड़े हुए, फिर हमने देखा कि उनमें से कुछ व्हीकल्स का कोई चीज़ ठीक है, किसी कोई चीज़ ठीक है, ऐसा करके हमने 30 व्हीकल उससे और ऐड करा दिए। तो अब हमारे पास में लगभग इतने हैं कि हम अधिकांश जगह पर रीच कर सकते हैं। फिर हमने गाड़ियों में पेंट कराया ताकि गाड़ियाँ साफ़ सुथरी दिखें, उसकी स्वच्छ उसकी सफाई कराते हैं, गाड़ियों की भी सफाई कराते हैं। फिर कंट्रोलिंग के लिए हमने देखा कि GPS सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है, उसको इफेक्टिव बनाया। फिर हमने वॉकी टॉकी के माध्यम से हमारा कम्युनिकेशन जो हमारे फील्ड में काम कर रहे हैं उनके साथ अच्छा हो, वॉकी टॉकी सिस्टम शुरू किया। तो इस प्रकार से, और हमने एक चीज़ कोशिश हो रही की कि लोगों तक हमारा मैसेज क्लियर होना चाहिए, चाहे मेरे स्वच्छता के मित्र हों, चाहे मेरे WHO हों, दरोगा हों, सहायक दरोगा हों, मेरे ड्राइवर हों, हेल्पर हों, सुपरवाइजर्स हों, सैनिटरी इंस्पेक्टर्स हों, हेल्थ ऑफिसर्स हो, उन सबको हमने डायरेक्ट अप्रोच किया, डायरेक्ट उनके साथ कन्वर्सेशन किया। एक राउंड नहीं किया, मल्टीपल राउंड्स किए ताकि उनको क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम क्या चाहते हैं और ये शहर आपसे क्या अपेक्षा करता है और शहर के लिए आप कितने इंपॉर्टेंट हो। तो ये फीलिंग हम लोगों ने उनको देने की कोशिश की। शुरू शुरू में मुझे लगा कि उनको शायद ऐसा फील होता है कि साहब आएंगे, थोड़े दिन करेंगे, फिर चले जाएंगे, वातावरण एकदम, पर उनको लगा कि ये तो मानने वाले नहीं है, ये तो कंटिन्यूस एफर्ट्स करेंगे। तो हमने फिर धीरे धीरे जनता को कनेक्ट किया। पहले हमने अपने सिस्टम को इम्प्रूव किया, फिर हमने जनता को कनेक्ट किया। जनप्रतिनिधियों के द्वारा इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। उनको भी हमने अप्रोच किया तो वो इन्वॉल्व हो गए, तो उनके इन्वॉल्वमेंट से हमारा एक्सेस और बढ़ गया। तो बेसिकली स्वच्छता जन जन का एक आंदोलन होता है। हम हर व्यक्ति को यदि अवेयर कर देते हैं तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। फोकस रहता है सूखा गीला कचरा को सेग्रीगेशन करना सोर्स पर, घरों पर ही, और वैसे ही हम उसको अपने गाड़ी में देते हैं। जब ये सिस्टम कर लेते हैं तो हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली सफाई का इम्प्रूव करता है, क्योंकि कोई व्यक्ति सड़क पर क्यों कचरा फेंकता है, कहीं बाहर क्यों फेंकता है, या उसके वजह तो गाड़ी नहीं आती होगी या उसको ज्ञान नहीं होगा कि भैया सूखा कचरा क्या होता है, गीला कचरा क्या होता है, कैसे सेग्रीगेट करना होता है। किसी दिन कोई गाड़ी नहीं आई तो भैया रख लो, अगले दिन दे देना, टाइमिंग ऑफ द व्हीकल मैच होनी चाहिए। तो ये सिस्टम हम एक कंटिन्यूसली भी प्रोसेस पे है, हम लगातार इम्प्रूव करते जा रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि लोगों का माइंडसेट चेंज करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, चैलेंज होता है। तो हम उसी चैलेंज को हम लोगों ने स्वीकार करते हुए उसमें आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं देख रहा हूँ कि लोगों के बिहेवियर में बहुत परिवर्तन आता जा रहा है, ग्वालियर में अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, मीडिया का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, बीच में मीडिया ने भी कई सारे वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किए थे तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। आपका खुद मीडिया का इम्पैक्ट है, एक अलग इम्पैक्ट है। तो मैं देखता हूँ कि मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू इंक्रीज अवेयरनेस अमंग्स पीपल। और जनता का जिस दिन आंदोलन, हर व्यक्ति अवेयर हो गया। ग्वालियर में कहा जाता है कि लोग एक दूसरे को रोका टोकी करने से थोड़ा सा घबराते हैं कि वो व्यक्ति उल्टा ना बोल दे, पीट पाट ना दे। तो हमने कहा कि आप चिंता नहीं करें,
रोको टोको अभियान का आप हिस्सा हैं, कोई भी व्यक्ति गंदगी फैलाता है तो आप उसको रोकिए, उसको टोकिए, पनिश करने के लिए आप हमारा दीजिए, हमारे को इन्फॉर्म कीजिए, हमारी टीम जाएगी उसको पनिश भी करेगी, समझाएगी भी। लास्ट 4 मंथ्स में हमने 30 लाख का फाइन किया लोगों के ऊपर, हमने रामधुन भी बजाई, लोगों को कन्विंस भी किया, हमने पनिश भी किया उनको, हमने फाइन भी किया। तो हम हर तरह के वो चीज़ें तरीके अपनाना चाहते हैं जिससे जो व्यक्ति जिसको समझना चाहे समझ सकता है, बट हमारा उद्देश्य तो ये है कि स्वच्छता को लेकर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, हमें स्वच्छता में सबको इन्वॉल्व करना है। पहला प्रयास ऑफकोर्स मोटिवेशन का ही होता है, लेकिन जब जहाँ ज़्यादा जितपन होता है तो फिर हम लोग को अपना महाजितपन दिखाना पड़ता है कि नहीं अब तो हमारी ही चलेगी, स्वच्छता को लेकर कोई कंप्रोमाइज नहीं। प्राइम मिनिस्टर का सपना है, हमारे CM साहब का सपना है, हमारा देश स्वच्छ हो, तो हम लोग अपने अपने जिस भी एरिया में काम करते हैं जब अपने लेवल पे काम करेंगे तो ऑटोमेटिक देश स्वच्छ हो जाएगा, वैसे प्रदेश स्वच्छ हो जाएगा। सर अभी कई घरों में अभी भी ब्लैक पॉलिथीन जो कचरे के लिए उपयोग में आती हैं वो अभी भी लोग यूज में ले रहे हैं, क्या वो बैन होने वाली हैं या फिर उसके ऊपर कोई रूल नया आने वाला? दो चीज़ें हैं, 75 माइक्रोन से कम की जो पॉलिथीन होती है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बैन कर दी है, अब 75 माइक्रोन से बड़ी साइज का ही जो थिकनेस होती है वो यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक आदेश जारी किया है जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक को भी बैन हो 30 जून के बाद कर दिया उन्होंने, मतलब 30 जून तक आप ट्रांजिट फेज में हो, रैप अप कर दो उसको, 1 जुलाई से संपूर्णतः बैन हो जाएगा। अब हमारा टारगेट उसी को लेकर है, बेसिकली शहरों में आप देखते हैं गंदगी का एक मेन कॉज होता है पॉलीथीन, और प्राय ये भी देखा जाता है कि बहुत बार लोग इमोशंस में आ गए, अपने घर का बचा हुआ खाने को पॉलीथीन में बांधते हैं और उसको ये मानते हुए कि गौ माता को खिला देंगे तो हमारा आज पुण्य काम हो जाएगा। वो लोग ये नहीं देखते कि वो जो गौ माता है वो पॉलीथीन से उसको खा रही है जिससे उसको नुकसान हो रहा है। तो हम लोगों ने हमारे यहाँ पे एक राम रोटी के नाम से एक संस्था ने अभियान चलाया हुआ है कि जिसको भी ऐसी रोटी दान देनी है आप उनको दान दीजिए, उनके पास एक प्रॉपर बॉक्स है उस बॉक्स में डालिए ताकि गाय को नुकसान न दे दिया। अच्छी चीज़ है कि हमारे यहाँ पे गौशाला भी है लाल टिपारा में, वो बहुत अच्छा काम कर रही है, वहाँ पे एक नए नए टाइप के एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं कि गो कास्ट बनाना, गोनाइल बनाना, उसके खिलौने बनाना, और अभी रिसेंटली हम लोग एक प्रस्ताव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजे जिसमें हम लोग यहाँ पर बायोगैस प्लांट लगाने जा रहे हैं जो IOCL के माध्यम से स्पॉन्सर होगा। तो वो चीज़ें हमारे शहर को जो एक वेस्ट की हम बात करते हैं उसका कैसे यूटिलाइज हो सकता है बेस्ट वे में, उसकी दिशा में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। सर अभी भी कई घरों में लोग मवेशी अपने पालते हैं और जो भी गोबर उनके घर में निकलता है वो आसपास के या तो खाली जगहों पर छोड़ते हैं या फिर घर के बगल में ही है ना पूरा ढेर बना देते हैं गोबर का, उन लोगों के ऊपर कोई रूल या फिर कोई रेगुलेशन है या फिर कोई नियम बनाए जाएंगे आज? नहीं, देखो ग्वालियर में गाय तो लगभग 10,000 हैं जिसमें से 6,000 से लेकर 8,000 तक गाय हमारी गौशाला में रहती हैं और 1,500-2,000 गाय हमारी कभी कभी सड़क में आती हैं। बीच में हमने अभियान चला के 1,500 गायों को गाँव ग्रामीण क्षेत्र की बड़ी गौशालाओं में शिफ्ट भी किया था और उसका चारा भी दिया था ताकि वो सेल्फ सस्टेनेबल लेवल पे काम करते हैं। फिर ग्वालियर में 2 लाख भैंसे हैं, बड़ा सरप्राइजिंग है बट फैक्ट है, ग्वालियर शहर में 2 लाख भैंसे हमारे 66 वार्ड्स हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। आपको सरप्राइज होगा, मैंने जब शुरू में आया था एक मीटिंग ली थी डेयरी वालों की, उन्हीं से मेरे पास ये फीडबैक आया कि सब 2 लाख हैं, दक्षिण विधानसभा में इतने, ग्वालियर विधानसभा में इतने, पूर्व में इतने, तो हमने कहा तो बहुत बड़ा चैलेंज है। 2 लाख भैंसें, एक भैंस एवरेज 15 किलो गोबर देती है, 12 किलो गोबर देती है एक दिन में और 15 से 17 किलो चारा खाती हैं। तो हमने कहा ठीक है, हमें इन डेयरीज को ग्रामीण क्षेत्रों में शिफ्ट करना है या शहर से बाहर लेके जाना है, उस प्रोसेस में सम ऑफ द टाइम लगेगा। फिर हमने ट्रांजिट वीक में एक दूसरा वे आउट निकाला कि अपने यहाँ पे ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से रूट चार्ट डिक्लेयर किया, वो रूट चार्ट हमारी डेयरीज में जाता है और हमारा गोबर कलेक्शन करता है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों से ये जो गोबर की गंदगी होती है ये काफ़ी हद तक कम हो गई, संपूर्ण रूप से पूरी नहीं हुई लेकिन काफ़ी कम हो गई है। हमने जहाँ पे 8 ट्रैक्टर ट्रॉली शुरू किया था आज हमारी 40 ट्रैक्टर ट्रॉली हो गई और इसको धीरे धीरे मुझको 100 तक लेके जाना है और आने वाले समय में मैं इसका पैसा भी लूँगा डेयरी वालों से
अभी तो मैंने व्यवस्था फ्री कर रखी है ताकि उनको आदत पड़ जाए कि आपको उसी ट्रॉली में गोबर डालना है, क्योंकि ये एडिशनल खर्चा हमारे नगर निगम में पड़ रहा है। जब तक डेयरी वाले बाहर शिफ्ट नहीं होते तब तक हम इसको चार्ज भी करेंगे डेयरी के नाम से, और उनके सख्त हिदायत है कि जब हमारी डेटा ट्रॉली आएगी गोबर नहीं रहेगा। अभी हमने नया सिस्टम बनाया है कि जैसे हमारी 40 ट्रैक्टर ट्रॉली जाती है तो हमने क्या किया उनको सवेरे 4 से 5 बजे का टाइम फिक्स कर दिया कि 8 बजे आप गाड़ी खुले सामने खड़ी कर दो, ताकि जब वो राउंड ले आधे घंटे के अंदर सवेरे, क्योंकि गोबर का काम जल्दी शुरू हो जाता है 4 बजे से लेकर प्राय 8 बजे तक ज़्यादा पीक पर रहता है। तो मैं सोचता हूँ कि अब तीनों चक्कर हमारे जो एक एक गाड़ी लगाती है 4 से लेकर 8-9 बजे तक हमारे चक्कर लग जाएँ ताकि वो चीज़ें हमारे सड़कों में दिखें ही ना। तो धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं हम लोग, हर चीज़ को इम्प्रूव करते जा रहे हैं, और बहुत केसेस में हमने समझाने के बाद 25-25 हज़ार रुपये की फ़ाइन भी किए हैं ऐसे डेयरी वालों के ऊपर जो नहीं मानते थे, बट अब उन्होंने भी स्वीकार कर लिया है, अब वो गोबर नहीं फेंकते। सर, साफ सफाई को लेकर कुछ नए उपकरण भी नगर निगम प्रशासन के द्वारा और लाए जाएंगे ग्वालियर शहर में? हाँ यस डेफिनेटली। देखो ग्वालियर का नगर निगम का जो एरिया है वो 423 स्क्वायर किलोमीटर है, तो जितनी भी नगर निगम मध्य प्रदेश में है उस यदि एरिया देखा जाए तो सबसे बड़ा नगर निगम ग्वालियर का एरिया है। हमारे बहुत चैलेंज है, हमारे पास रिसोर्सेज की थोड़ी अभी कमी है, हमने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है, शासन से बात भी हो गई है, उनको दे भी रहे एडिशनल व्हीकल्स और कुछ एडिशनल मैन पावर भी हमको लगेंगे, क्योंकि हमारे को एक्सेस प्रत्येक घरों तक करनी है, हम इस दिशा में काम भी कर रहे हैं, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा और रिसोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे। अगर आप फ्री होते हैं तो क्या करना पसंद करते हैं? मैं स्पोर्ट्स लवर हूँ, मुझे स्पोर्ट एक्टिविटीज करना बहुत अच्छा लगता है, मैं बताया भी आपको मौका मिलता है जहाँ भी कोई क्रिकेट मैच होता है वहाँ चला जाता हूँ, खेल लेता हूँ, चौके छक्के मारे। अभी रिसेंटली चैम्बर ऑफ कॉमर्स का स्टेडियम में मैचेस हो रहे थे तो उन्होंने बुलाया तो मैं चला गया, तो उन्होंने कहा साहब एक चौका मारोगे तो ये मिलता है, एक छक्का मारो तो ये मिलता है, तो सारे अवार्ड मुझे मिल गए। मतलब जस्ट वॉज फन, तो मैंने कहा कि स्पोर्ट्स मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मतलब इंस्टिंक्ट है, जब भी स्पोर्ट एक्टिविटी देखता हूँ तो मुझे खेल अच्छा लगता है। बाकी मैं क्या कहते हैं, मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है एंड आई लव टू सी डिफरेंट प्लेसेस, क्योंकि डिफरेंट प्लेसेस को देखने से बहुत सी लर्निंग्स मिलती हैं, तो कई बार कई चीज़ बहुत अच्छी लगती है, कैसे हम अपने शहर को साफ सुथरा रख सकते हैं, कैसे हम डस्ट फ्री रह सकते हैं, कैसे हम प्लांटेशन हर घर का एक पार्ट बना सकते हैं, है ना, कई क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं माइंड में कि कैसे लोगों को एंगेज करो। जैसे ग्वालियर इज़ ए हेरिटेज सिटी, हम जैसे कल हमने ध्रुपद का कार्यक्रम कराया था, हम चाहते हैं कि ग्वालियर में एक कल्चरल वाइब्रेंसी रहे, लोग आए वो यहाँ की हेरिटेज कल्चर को एंजॉय करें, यहाँ के म्यूज़िक को एंजॉय करें, यहाँ के कल्चर को एंजॉय करें, यहाँ के फूड को एंजॉय करें, और डिफरेंट जगह पे अलग अलग एक्टिविटी होती रहे। शहर वाइब्रेंट होना चाहिए, लाइव दिखता रहना चाहिए कि इसमें वाइब्रेंसी है। आपने देखो कि हमने शहर में कई जगह पर तिरंगा लाइटिंग लगाई है, तो दैट गिव्स वाइब्रेंसी टू द सिटी बेसिकली, कई तिराओं में चिराओं में लाइटिंग कर दी है, तो एक परमानेंट पार्ट होना चाहिए, शुड नॉट बी पार्ट कि कोई VVIP आए तभी हम करें। मैं चाहता हूँ कि शहर के अंदर वाइब्रेंसी बनी रहे, इसलिए हम चाहते हैं कि हर वीकेंड्स हमारा ऐसा हो जिसमें लोग घर से निकलें, बाहर आएँ, कल्चरल एक्टिविटीज़ देखें, प्लेस देखें। यहाँ तो बहुत कुछ है, बहुत खूबसूरत प्लेसेस हैं यहाँ पे, जो ऑटोमेटिक हमारे पास में एक प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, हमें तो उनको खेल यूज़ करना है। तो नगर निगम इस संबंध में बहुत इंटरेस्टेड है, मुझे अच्छा लगता है क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना और करवाना, दोनों चीज़ अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए और पूरे स्वच्छता के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए। ग्वालियर वासियों को इस इंटरव्यू के थ्रू बहुत कुछ जानने को मिलेगा।